मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में भगदड़, 9 यात्री घायल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ हादसा। गोरखपुर जा रहे ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरा तफरी। शिवसेना उद्धव गुट की तीसरी लिस्ट में 5 नाम, अब तक 85 उम्मीदवारों का ऐलान। एमपीए में 288 में से 223 कैंडिडेट घोषित। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की साजिश, लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने रची। पुलिस बोली कनाडा में बैठे अनमोल ने 1 महीने पहले रैकी भी करवाई थी। मन की बात का 115वां एपिसोड। डिजिटल अरेस्ट पर पीएम मोदी बोले, फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। राम मंदिर परिसर में 3 भाइयों ने नमाज पढ़ी, एफआईआर दर्ज। पुजारी ने कहा, बाहर रखे मटके के पानी से हाथ पैर धोए और जबरन घुसाएं। भोपाल इंदौर में पारा लुढ़का, पचमढ़ी सबसे ठंडा। धनतेरस पर बूंदाबांदी का अलर्ट, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ठंड, 10 साल से यही ट्रेंड। मऊगंज में बिना अनुमति प्रदर्शन पर एक्शन, कांग्रेस ने दिया था हनुमाना जनपद कार्यालय के बाहर धरना, 1 नामजद समेत कई पर केस दर्ज। सीएम ने राम वन गमन पथ के काम की ली जानकारी, डॉक्टर मोहन यादव के पहुंचने से पहले चित्रकूट को तहसील बनाने के दावे, आपत्ति मांगे। सतना राज्य मंत्री ने की नगर निगम के कामकाज की समीक्षा, सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को कार्यवाही के दिए निर्देश। सीधी के कोदौरा में बोलेरो ने बाइक सवार को रौंदा, 1 की मौके पर मौत, 2 घायल, पुलिस जांच में जुटी।